Welcome to my channel, Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Hear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi, welcome again on my YouTube channel. आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th RBSC का अकाउंटेंसी वाला पार्ट. अब तक बच्चों की डिमांड आ रही थी मैम अकाउंटेंसी स्टार्ट कीजिए, सो फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है अकाउंटेंसी में हम स्टार्ट कर देते हैं. जो भी बच्चे मेरे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते रहना और जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में क्या दबा देना बेल आइकन, तो ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं वो हमें यानी कि आपको सबसे पहले देखने को मिले. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 कंपनी अकाउंट्स की. यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप वाला चैप्टर. आपका जो है वो लगातार चलने वाला चैप्टर, यानी कि आपके जो चारों चैप्टर हैं एक को स्टार्ट कर दिया यानी कि वो चारों को कंबाइंड आपको एक साथ ही करना पड़ेगा. तो पहले मेरा फोकस है कि हम छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उस चैप्टर को बाद में लेंगे. तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंपनी. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगी कंपनी के थ्योरी पार्ट की. ठीक है, जितना प्रैक्टिकल जरूरी होता है उतना ही थ्योरी ज़रूरी होता है. एग्जाम में थ्योरी पार्ट भी आता है और बेसिकली अगर यूट्यूब पे आप देखने जाएंगे तो आपको थ्योरी पार्ट कम ही वीडियोस अवेलेबल हो पाएंगी. प्रैक्टिकल पार्ट की तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगी बट थ्योरी पार्ट बहुत कम टीचर्स अपलोड करते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना थ्योरी पार्ट ही अपलोड किया जाए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. अ कंपनी और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ टू अंडरटेक अ बिजनेस. बहुत ही सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो जो बिजनेस होता है यानी कि एक तो सोल प्रोपराइटरशिप होती है जिसमें एकल व्यवसाय होता है, तो धीरे धीरे अगर उसको पैसों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है तो किसकी ओर जाता है, वो पार्टनरशिप की तरफ जाता है. और भी उससे लगता है कि वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैला सकता है तो वो किसका रुख लेता है, वो कंपनी का रुख लेता है. तो अ कंपनी और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है. इनकॉर्पोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन, किन लोगों का इनकॉर्पोरेशन है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स का थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून के द्वारा बनाए गए लोगों का एक समूह, उसे क्या कहते हैं कंपनी. देखो कंपनी का बेसिक मीन भी अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समूह ही होता है. अब कंपनी अपन नॉर्मली भी जो कहते हैं कि यार तेरे दोस्तों की कंपनी अच्छी है या फिर उसके फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी नहीं है, तो कंपनी का मतलब बेसिकली भी समूह ही होता है. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. एक कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन की उसको संज्ञा दी गई है और उसको क्या बताया गया है कि वो अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है, यानी कंपनी अलग होती है उसके मेंबर्स अलग होते हैं. वो आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्योंकि उसको लॉ में सारे राइट्स मिले हुए हैं जो कि ह्यूमन को मिले होते हैं. बस ह्यूमन क्या करते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जबकि कंपनी ये काम नहीं कर सकती. बाकी उसको सारे अधिकार मिले हुए हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन को मिलते हैं. शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, अ पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड शेयर. एक कंपनी को चलाने के लिए या फिर कोई बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें बहुत सारी मनी चाहिए होती है. ठीक है, सोल प्रोपराइटरशिप में, पार्टनरशिप वगैरह में तो इस मनी को क्या करते हैं, हम बल्क में ही यूज करते हैं. बट अगर कंपनी की बात की जाए तो जब पैसा हम एक तरीके से कहा जाए तो कलेक्ट करते हैं तो उसको हम किस में बांट देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर यानी कि हिस्सा. कुल मिला के कंपनी की जो भी पूंजी है, जो भी कैपिटल है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं शेयर. द ओनर्स ऑफ शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर नोन एज मेंबर और शेयर होल्डर्स. यानी कि जो लोग ये शेयर खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपनी के मेंबर्स बोलते हैं या फिर शेयर होल्डर्स बोलते हैं. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. यानी कि मैंने मेरी लाइफ में इससे ईजी जो है वो डेफिनेशन नहीं देखी. हमेशा ध्यान रखो, एक तो सेक्शंस वगैरह ये जो होते हैं इनको हाईलाइट करके चला करो और इनको हो सके तो याद करा करो. इससे क्या होता है, जब एग्जाम में आप आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है. सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग व्हाट इज कंपनी. कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. यानी कि कंपनी कब है, जब वो इस कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर भारत के ही किसी और कंपनी लॉ के अंतर्गत क्या करवाती है, वो खुद को रजिस्टर करवाती है, तो वो क्या है, आपकी कंपनी कहलाएगी. उसके बाद है, ये तो आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, ये हमारी डेफिनेशन हो गई जो हमको किस में दी गई है, लॉ में दी गई है. बट हम एक ऑथर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं तो हम यहाँ लेंगे प्रोफेसर हेने को. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. जैसा मैंने आपको बता दिया कि आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो किसके द्वारा निर्मित है, जो कि
कानून के द्वारा निर्मित है, उसकी क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, खुद की पहचान होती है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कंपनी कॉमन सील, और उसकी क्या होती है, सार मुद्रा होती है। सेकेंड थिंग, ध्यान रखना कि जो भी डेफिनेशन होती है वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दस वी कैन से दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर एंड परपेचुअल सक्सेशन, इट एग्जीक्यूट इट्स वर्क्स थ्रू अ कॉमन सील। कुल मिला के यहाँ पर हमने इसका क्या निकाल दिया, कंक्लूजन निकाल दिया कि वॉट इज इन द कंक्लूजन, वी कैन से कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, क्रिएटेड बाय लॉ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट एंटिटी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और फोर्थ आपकी परपेक्चुअल सक्सेशन, इट एग्जीक्यूटेड इट इट्स वर्क थ्रू अ कॉमन सील। अब देखो कुल मिला की बात यह कि अगर डेफिनेशन आती है तो आपको क्या लिखना है, अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन आती है तो आप कंपनीज एक्ट की भी लिख सकते हो और प्रोफेसर हैने की भी लिख सकते हो। अब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग पूछ ले या फिर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ ले, तो हमें दोनों ही याद करनी पड़ेगी। और इफ़ वो नॉर्मल कंपनी का मीनिंग पूछता है तो आपको ये जो लिखा है हमारे पास वी कैन से, तो यहाँ से लिखना है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन से लेकर आपको कहाँ तक लिखना होगा, कॉमन सील तक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि वॉट इज कंपनी। इन शॉर्ट अगेन वी कैन से कि कंपनी क्या होती है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। इसके बाद है आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, की कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इट इज़ एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस कंपनी लॉ था 1956 उसके अंदर अमेंडमेंट करके नया कंपनी लॉ आया 2013, तो इन दोनों में से वो किसी ना किसी में रजिस्टर होनी चाहिए तभी वो कंपनी मानी जाएगी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इंटेंजिबल पर्सन। आर्टिफिशियल इंटेंजिबल क्यों है, क्योंकि कंपनी हमें दिखती नहीं है बट वो सारे काम करती है जो एक इंसान कर सकता है। अगर कोई कंपनी पर केस करना चाहे तो केस कर सकता है, वो केस कंपनी पर ही होगा, कंपनी के मेंबर्स हैं उन पर नहीं होगा। कंपनी चाहे तो किसी और के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है तो कंपनी को मिलेगा, मेंबर्स को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह कि कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। एंटिटी ऑफ अ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है, जैसा मैंने बता दिया आपको कि कंपनी अलग होती है और इसके क्या होते हैं आपके कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, कंपनी के मेंबर्स से अलग है। यहाँ पर आपका मतलब कि अगर कंपनी चलती रहती है, ठीक है, कंपनी ईजिली तो बंद होती नहीं है, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके जो प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, वो क्या होंगे, वो उनके मेंबर्स में बढ़ जाएंगे। बट कंपनी लगातार चलती रहती है और मान लीजिए कि किसी एक उसका जो मेंबर है, एक मेंबर है, 5-10 मेंबर है, उनकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम रहती है, वो दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, तो कंपनी बंद नहीं होगी, वहाँ पर नए मेंबर्स एड ऑन होते रहते हैं और कंपनी लगातार चलती रहती है, कंपनी कभी भी रुकती नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी का प्रारूप ऐसा है कि उसको बनाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम क्या लगता है, उसको बंद करने में लगता है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल शॉप की तरह आपने खोला और उसको बंद कर दिया। अब इसके बाद है आपका अ कंपनी हैज़ परपेक्चुअल सक्सेशन। परपेक्चुअल सक्सेशन का आपका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ परपेक्चुअल सक्सेशन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ कॉरपोरेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंट डिस्पाइट द डेथ बैंकरप्सी इंसेंटिटी चेंज इन मेंबरशिप, ठीक है। कुल मिला की बात है कि अगर कुछ भी होता है ना तो कंपनी चलती रहती है, कंपनी कभी भी रुकती नहीं है। जो आपके ये दोनों पॉइंट्स हैं वो देखा जाए तो सिमिलर से ही होते हैं और इन दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लिटिल बिट सेम सी ही रहती है। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लाइबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब बहुत ईजी सा है, मान लो आपने किसी कंपनी के क्या करे 1000 रुपीज़ के शेयर परचेज करे, ठीक है, मान लो आपको रिलायंस जियो पसंद आ गई तो आपने सोचा कि यार ठीक है मुझे जियो में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने जियो के शेयर खरीद लिए कितने रुपए के, 1000 रुपए के। अब जियो मान लीजिए अगर लॉस में चली जाती है तो क्या होगा, तो आपको तो केवल 1000 रुपए ही चुकाने हैं। अब चाहे उसको 10 करोड़ का लॉस हो, 20 करोड़ का हो, 500 करोड़ का लॉस हो, आपकी जिम्मेदारी कितनी है, केवल 1000 रुपए तक की जिम्मेदारी आपकी है वहाँ पर। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर क्या होते हैं, एक दूसरे को ईजिली ट्रांसफर करे जा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे को कोई कंपनी के शेयर गवर्नमेंट कंपनी के पसंद है, SBI बैंक के शेयर अगर मुझे पसंद है, मैंने खरीद लिए, अब मुझे बेचने की इच्छा है तो मैं ईजिली उनको बेच सकती हूँ, उसके ऊपर किसी का भी कोई बाउंड नहीं होता। बट जो प्राइवेट कंपनीज के शेयर होते हैं वो इतने ईजिली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, इनके लिए कुछ बाउंडेशंस होती हैं। द कंपनी इज मैनेज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं। क्यों चुनते हैं, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट ने तो क्या करा, एक कंपनी के शेयर इशू कर दिए और जनता को पसंद आ गए तो बहुत सारे लोगों ने उसके शेयर्स खरीद लिए, मान लीजिए 10,000 लोगों ने उसके शेयर खरीद लिए। अब 10,000 लोग तो कंपनी को चलाएंगे नहीं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कमेटी बनाते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना कि ट्रस्टीज़ की क्या होती है, सारे ट्रस्टीज़ एक बार में अवेलेबल नहीं होते, वो लोग 2-3 ट्रस्टीज़ को ही मेनली अपॉइंट कर देते हैं। तो वैसा ही कंपनी में होता है कि क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं ताकि वो लोग कंपनी को
लगातार चला सकें। और वो कौन चूज़ करते हैं? शेयर होल्डर, यानी कि वो वोट देते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज़ किए जाते हैं। अ कंपनी हैज़ अ कॉमन सील, अब बहुत सारे उसके ओनर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सबके साइन तो करवा नहीं सकती, तो वो लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं? कॉमन सील, हिंदी में बात करें तो सार मुद्रा बनवा लेते हैं। एक सील होती है, जैसे नॉर्मल हम मोहर बोलते हैं जिसे, वो ये चीज़ होती है, तो कंपनी की अलग होती है, क्योंकि सारे मेंबर्स तो साइन नहीं कर सकते ना, तो इट्स बेटर कि कॉमन सील बनवा लो। और जब भी कोई हमें चीज़ जारी करनी है, कोई आंसर, मतलब कोई भी पेपर है, कोई भी हमारा जो कहते हैं कागजी कार्रवाई वगैरह, उस पर वो कॉमन सील लग जाती है। इसके बाद है आपका काइंड्स ऑफ कंपनी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। वन पर्सन कंपनी, ये याद रखना, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कंपनी कितने टाइप होते हैं, तो तीन टाइप होते हैं, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज मेंबर। मतलब ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, ईजिएस्ट डेफिनेशन मिली है हमें किसमें, कंपनीज एक्ट में, यानी कि वो कंपनी जिसमें केवल एक ही पर्सन क्या है, उसका मेंबर है, वो क्या है आपके, वन पर्सन कंपनी। और अक्सर वन पर्सन कंपनी की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो आपने कोई बहुत अच्छा रिसर्च किया, आपने कोई रोबोट बनाया या आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया कि आपको लगता है कि ये तो केवल मैं ही क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं इसको और शेयर क्यों करूँ, तो आप क्या करेंगे, उस अपने ही नाम पर कंपनी अपनी रजिस्टर करवा लेंगे, और सारा प्रॉफिट भी किसका होगा, आप ही का होगा। जबकि जो पुराना वाला हमारा कंपनी लगा था, उसमें वन पर्सन कंपनी का कोई भी अमेंडमेंट नहीं था। दिस टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी। सेकंड थिंग, वन पर्सन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसा नहीं कर सकती ना कि क्या केवल एक मंत्री को पसंद आ गया कुछ तो उसने कंपनी क्रिएट कर दी। गवर्नमेंट कंपनी तो पूरी तरीके से पब्लिक डेडिकेटेड होती है। ये कौन सी कंपनी बनेगी, अगर बनेगी तो प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोपराइटरशिप फर्म बिकॉज, और ये क्या होती है, सोल प्रोपराइटरशिप से अलग होती है। आप कह सकते हो कि मैम फिर तो अगर उसको खोलना ही अकेले तो शॉप खोल लेगा या कोई बड़े बिजनेस खोल लेगा, लेकिन वो अकेला ही बनकर रहेगा, तो देखो चेंज होता है। सोल प्रोपराइटरशिप में जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, अगर लॉस हो गया तो घर तक भी बिक सकता है आपका, ठीक है। जितनी आपकी संपत्ति असेट्स होती हैं वो सब बिकने को हो जाती हैं, बट अगर आपने कंपनी खोली है तो आपने जितने अपने ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर करवाया है उतने तक ही आपकी लाइबिलिटी वहाँ पर रहती है, आपकी प्राइवेट असेट्स पर कभी भी उस पर लाइबिलिटी नहीं आती। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो बहुत ईजी है कि दैट कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स वी कैन कॉल प्राइवेट कंपनी। अब उसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम कितने रुपये कैपिटल चाहिए हमें, 1 लाख रुपये की। देखो ये MCQs में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और 1-1 मार्क्स में आते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आगे तक काम आएगा, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। और कंपनी चैप्टर ऐसा है कि ट्वेल्थ है, बीकॉम, बीबीए, सीएससीएस किसी में भी जाओ, कंपनी तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाते हैं सीएससीएस वगैरह के एग्जाम में, बीकॉम वगैरह में, तो ये मान के चलना प्रैक्टिकल से ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना होता है, थ्योरेटिकल पार्ट पे करना होता है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट क्लियर करता है वो थ्योरेटिकल पार्ट ही करता है प्रैक्टिकल पार्ट के बजाय। 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, कि कम से कम तो 1 लाख रुपये होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, बट वो क्या होनी चाहिए, आपकी ऑथराइज कैपिटल जहाँ पर आप ऑथराइज करवाएंगे कंपनी रजिस्ट्रार के पास, वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। अब क्या क्या इसके लिए होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्ट्रिक्टेड टू राइट ऑफ ट्रांसफर इस शेयर, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, बाउंडेशन होती है, अगर ट्रांसफर करने ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रिमिट्स एंड नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200, और एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट कंपनी में ये अनलिमिटेड होते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, जबकि गवर्नमेंट कंपनियां जो होती हैं पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। आप लोग भी सुनते होंगे कि शेयर मार्केट डूब गया, शेयर मार्केट बढ़ गया, ठीक है, तब हमने सुना है कि शेयर मार्केट क्या होता है, तो शेयर मार्केट यही होता है, उसमें कंपनीज क्या करती हैं, रजिस्टर करवाती हैं खुद को, अपने शेयर सेल और परचेज करती हैं। अब प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, द नेम ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यानी कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 200 मेंबर। और इसके अलावा क्या मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए लिखवाना, प्राइवेट कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे लिखवाना जरूरी है प्राइवेट लिमिटेड, कभी भी नोटिस करना जो प्राइवेट कंपनीज होगी PVT.LTD. लिखा होगा, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट कंपनी है। वहीं अगर नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी तो केवल लिमिटेड वर्ड दिखेगा, और लिमिटेड वर्ड क्यों दिखेगा, क्योंकि वो शेयर्स के थ्रू या फिर गारंटी के थ्रू क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसके बाद है लास्ट आपका पब्लिक कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी, ठीक है, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत ही प्यारे तरीके से इसने बोल दिया, इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि
जो कंपनी क्या है प्राइवेट नहीं है, वो क्या है एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन इतने इजीली तो हम नहीं लिख सकते ना, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके फीचर्स लिखने पड़ेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं। हैज़ अ मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख, जो कि हमारे प्राइवेट कंपनी में कितनी थी, 1 लाख। देखो इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि कम से कम 5 लाख होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं होती। 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कंपनी, वहाँ पर हमारे को कम से कम 2 मेंबर चाहिए थे और मैक्सिमम 200 थे, और यहाँ पर हमें मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। इज़ अ प्राइवेट कंपनी बींग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इज़ अ प्राइवेट कंपनी बींग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी सब्सिडरी हो सकती है, बट प्राइवेट कंपनी प्रॉपरली आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट उनकी सब्सिडरीज आप वहाँ पर बन सकते हो। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी क्या होगी, सब्सिडरी बनेगी, उसे भी किसके अंडर में आना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी के अंडर में आना पड़ेगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी, क्योंकि हम क्या करते हैं पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, तो कितने भी लोग वो शेयर परचेज कर सकते हैं। द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, तो फर्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे बांट सकते हैं हम, तो 2 टाइप्स होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो अगर मान लो आपने 1 लाख की अपनी, सॉरी 1 लाख तो नहीं, 10 लाख ले लो आप इसको, अगर आपने 10 लाख की क्या करी, अपने ऑथोराइज कैपिटल बताई है, और उसको 100 रुपये वाले, या मान लीजिए 10 10 रुपये वाले, क्या करा आपने 1 लाख शेयर में आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो लाइबिलिटी है वो केवल 1 लाख शेयर तक ही है, और रुपए कितने हैं आपके, 10 लाख के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। और कंपनी लाइबिलिटी बाय गारंटी, तो गारंटी का मतलब होता है कि ठीक है यार मैं 1 लाख की गारंटी लेता हूँ, 2 लाख की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये होती है एक तरीके से देखा जाए तो वर्ड गारंटी, शेयर के थ्रू तो आपने बोला कि मैंने इतने के शेयर लिए, लाइक 1000 रुपये के, 2000 के, 5000 के, और गारंटी में आपने क्या बोला कि ठीक है आई विल कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 1 लाख, अप टू 2 लाख, अप टू 3 लाख, तो ये होती है गारंटी वाली। लास्ट अनलिमिटेड कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड कंपनी, यानी कुल मिला के कि जैसे सोल प्रोप्रेटरशिप में होता है कि प्राइवेट असेट्स भी बिक सकती हैं अगर लॉस होता है, तो वैसे अनलिमिटेड कंपनी में होता है कि मेंबर्स की प्राइवेट असेट्स पर भी कहा जाए तो हाथ वो लोग मार सकते हैं और उनको बेचकर अपना पैसा उठा सकते हैं। बट जो अनलिमिटेड कंपनी है वो बेसिकली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी इतना लॉस बियर करना नहीं चाहेगा, ये केवल जस्ट कह सकते हैं हाँ अजम्पशन है अनलिमिटेड कंपनी का, बट आपको रियल लाइफ में अनलिमिटेड कंपनी का कोई एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई होगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कुछ प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट और है थ्योरी का, वो कंप्लीट करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि शेयर कैसे इशू करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक एक इलस्ट्रेशन भी मैं आपको करवाऊंगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।